हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी प्रैक्टिस सेट का 111 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? मोहनलाल साहा। निम्न में फूलों की घाटी में स्थित ताल है, ऑप्शन देखते हैं, आचरी ताल यह फूलों की घाटी में स्थित है, लिंगा ताल यह भी फूलों की घाटी में स्थित है, मंसूर ताल यह टिहरी गढ़वाल में जो कि हंस के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। श्री हरि महा अवतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है? पांडुखोली में। निम्न में से गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहा जाता है? घनानंद खंडोरी को। निम्न में मरोज त्यौहार पर पकने वाला मुख्य पकवान कौन सा है? गीमा। कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है? सखू नाखर और आणा इन्हें पहेलिया कहा जाता है। कूटधरा किस स्थान का प्राचीन नाम है? कोट द्वारका। किस जाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं? थारू जनजाति की महिलाएं। कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रचलित है? नीलकंठ पर्वत। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। पंचाचुली पर्वत की ऊंचाई 6,904 मीटर है। त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। हिल सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध किस जनपद से है? नैनीताल भूस्खलन से, और यह हेनरी रैमजे के कार्यकाल में बनाई गई थी। एवलोंच पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। रहस्यमयी परियों का देश खेट पर्वत किस जनपद में है? टिहरी गढ़वाल में। मोग धुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। लैक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? हेम कुंड को। निम्न में से किस स्थान पर बगवाल मेले का आयोजन होता है? देवी धुरा चंपावत जनपद में। निम्न में से जोनसार भाबर क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है? देव बन के। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है और नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,817 मीटर है। साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? कमल नदी को। अगलाड नदी के किनारे पर मोड़ मेला लगता है। कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तीलू रोतेली को। एटकिंसन ने किस जनपद को गोल्डन वैली कहा था? बागेश्वर जनपद को। पैर में पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से, ऑप्शन देखते हैं, कंडवा जिसे सुदमन भी कहा जाता है यह पैर का आभूषण है, पोंटा व झिवरा यह भी पैर का आभूषण है, और इमरती भी पैर का आभूषण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में। तपोवनम हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? वीरेंद्र सिंह रावत। राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। कूली बेगार आंदोलन पर बनी फिल्म कौन सी है? मधुली। मोहन सिंह रीठा गाड़ी हैं कुमाऊनी लोक गायक। स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे? 1890 ईस्वी में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? 1901 ईस्वी में, और इसकी स्थापना तारादत्त गेरोला के द्वारा की गई थी। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, और डिबेटिंग क्लब के द्वारा
1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है, जिसके पहले संपादक बुद्धि वल्लभ पंत थे और इसके 1913 से 1918 तक संपादक बद्रीदत्त पांडे थे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। 1918 से बद्रीदत्त पांडे शक्ति नामक समाचार पत्र शुरू करते हैं। पहाड़ों का राजकुमार किस जनपद को कहा जाता है? नैनीताल जनपद को। पद्म देव जी ने किस मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान की थी? बद्रीनाथ मंदिर के लिए। उत्तराखंड के प्रथम ICS कौन थे? भैरवदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। निम्न में से बागबट्टी क्या है? गढ़वाली खेल। जोनसार दलितों के प्रवेश पर कौन सा मंदिर चर्चा में था? सिलमूर देवता का मंदिर। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड किस जनपद में स्थित है? देहरादून जनपद में। उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? सेम मुखेम को। मानसरोवर यात्रा का संबंध किस दर्रे से है? लिपुलेख दर्रे से, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में। मोकधुरा बारा होती ये चमोली जनपद के दर्रे हैं। लेखिका गोरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किनके द्वारा प्रदान की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चांदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आटागाड नदी के। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? चंपावत जनपद में। एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? कल्पनाथ, जो कि चमोली जनपद में। उत्तराखंड में पांच केदार हैं, 3 रुद्रप्रयाग में हैं और 2 चमोली जनपद में। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, मद महेश्वर और तुंगनाथ। चमोली में कल्पनाथ और रुद्रनाथ हैं। केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, मद महेश्वर नाथ में इनकी नाभि की पूजा होती है, तुंगनाथ में इनके हाथों की पूजा होती है, रुद्रनाथ में इनके रुद्रमुख की पूजा होती है और कल्पनाथ में इनके केशों की पूजा होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।